नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीबीआई की छापेमारी, 8 बच्चों का रेस्क्यू, हिरासत में कई लोग। चुनाव से पहले टीएमसी के साथ खेला पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पलट दी बाजी, सर्वे में खुलासा। हलफनामे में गलत जानकारी दी, मोदी के मंत्री के खिलाफ यूडीएफ के आरोप, इसी में दी शिकायत। टीएमसी नेता के घर जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम पर हमला, भूपति नगर ब्लास्ट केस में भेजा था समन। क्रू और दी गॉट लाइफ के छूटे पस इन्हें, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने 8 दिनों में कर डाली छप्पर फाड़, कमाई जाने कलेक्शन। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में छापेमारी की है। राजधानी के साथ साथ एनसीआर के कुछ इलाकों में भी जांच एजेंसी ने रेड मारी है। इस दौरान सीबीआई ने 7 से 8 बच्चों का रेस्क्यू किया है, जिनकी खरीद फरोख्त की जा रही है। इस अपराध में शामिल कुछ लोगों ने जांच एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है। इन लोगों से चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने छापेमारी के बाद जिन लोगों को हिरासत में लिया है, उसमें अस्पताल के वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाएं और पुरुष भी शामिल है। इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि इस केस में और ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। लोकसभा चुनाव से पहले ईटीजी रिसर्च सर्वे में पश्चिम बंगाल में एक सर्वे किया। इस सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी को झटका लगता दिखाई दे रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सियासी भिगोले बच चुका है। सभी दलों ने अपना अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। ऐसे में दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक ओर पीएम मोदी प्रचार के पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं और कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कूच बिहार की रैली की और आरोप लगाए हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने चुनाव अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है कि तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत और भ्रामक जानकारी दी है। यूडीएफ केंद्रीय चुनाव समिति में तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी से शिकायत करते हुए चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव अधिकारियों की ओर से तत्काल और उचित कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस नेता थम्पनूर रवि ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने अपने नामांकन पत्र में अपनी आय, चल और अचल संपत्ति की ग्रॉस वैल्यू की फाइनेंशियल आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में विस्फोट के मामले में जांच करने पहुंची एनआईए की टीम पर हमला हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम पर शनिवार को सुबह पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में उस समय हमला किया गया जब अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर 2022 विस्फोट मामले की जांच के लिए वहां पहुंचे थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम भूपति नगर विस्फोट मामले की जांच करने पहुंची। इस घटना में किसी को पूछताछ के लिए लाते समय केंद्रीय एजेंसी के वाहन की खिड़कियां तोड़ दी गई। एनआईए ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। क्रू और दी गॉट लाइफ के आगे हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने भारत में दमदार कमाई कर ली है। ये फिल्में 8 दिनों में 60 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी हैं। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ने 8 दिन में कितनी कमाई की? गॉडजिला और कॉन्ग ने इंडियन बॉक्स ऑफिस हिला डाला है। इस फिल्म का करीना कपूर की क्रू और पृथ्वीराज सुकुमारन की दी गॉट लाइफ से क्लैश हुआ था। हालांकि गॉडजिला और कॉन्ग इन दिनों फिल्मों को मात देते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए हैं और खूब नोट छाप रहे हैं। गॉडजिला और कॉन्ग की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 13.25 करोड़ से खाता खोला था। दूसरे दिन फिल्म 12.25 करोड़ कमाई, तीसरे दिन इसका कलेक्शन 13.25 करोड़ रुपए रहा। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस न्यूज़।